सामी, क्या मसला है यार? किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? काबिल ने इरसा से कहा है कि मुझे तुम्हारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या? मैंने फोन किया था ना समीर को पैसे मांगने के लिए, बुरा लग रहा है राबेल को। नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम? इरसा से तो उसने ये बात की, पता नहीं क्या क्या कहती फिर रही है वो, और अपने शौहर से उसने बात नहीं की। भाई सीरियसली मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बुलाओ उसे। क्या चल रहा है इसका? हाँ राबेल, प्लीज नीचे आना जरा, भाई ने बात करनी है तुमसे। अरे मुझे भाई। राबेल क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती? नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है मैंने जो समीर को कॉल की? ये आपसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। तुमसे जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। वैसे इनाम भाई, आपको समीर भाई को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, वो काफी परेशान है। हाँ तो मैं भी परेशान हूँ, ये मेरा हक है। मेरा भाई अगर कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो पैसा मैं रिकवर करवाऊं। लेकिन वो गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है, समीर भाई ने कारोबार किया है, फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। हाँ तो दे दिया ना, कर दी ना मदद असाम ने, अब उसको भी ख्याल रखना चाहिए ना हमारा। हाँ ठीक है, उन्हें भी आपका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अभी वो परेशान है। उन्होंने जो कंसाइनमेंट की थी उसकी पेमेंट 2 महीने में आएगी। 2 माह लगेंगे, लेकिन जब उन्हें पैसे चाहिए तो हमने दे दिए थे, अब हमें पैसे चाहिए तो वो भी देना। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जब हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम फौरन ले सकते हैं, तो फिर अब 2 महीने क्यों लगेंगे? ये बिजनेस है, बिजनेस इस तरह से नहीं होता, ये गलत तरीका है। लेकिन बस अब तुम इस मामले में नहीं बोलो, मैं जानू, हसाम जाने और समीर जाने। वैसे भी बिजनेस में खवातीन का कोई काम नहीं, आप अपने घर के मामला देखें बस। लेकिन इनाम भाई, वो भी मेरा घर है और वहां पे कुछ मसले चल रहे हैं, परेशान है वो लोग, मेरा भाई तकलीफ में है। क्या हो गया तुम्हें? सुनाई नहीं दिया तुम्हें भाई ने क्या कहा है? चुप नहीं रह सकती हो? लेकिन हसाम, बस ना, हो गया। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये तुम्हारा घर है वो नहीं? तुम इस घर के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो?